मॉर्निंग, आई एम वाटिका सिन्हा। वेलकम टू वाटिका इंग्लिश क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि CBSE ने अभी अभी अनाउंस किया है। ये है क्लास 10th टर्म 1 के डेट शीट। अभी डेट शीट सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स के ही डिक्लेयर किए गए हैं। माइनर सब्जेक्ट्स के जो माइनर सब्जेक्ट के जो डेट शीट है वो आपके स्कूल ऑथराइज करेंगे, वो CBSE पोर्टल जारी नहीं करेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है नोटिस में। अभी तक के डिटेल्स आइए देखते हैं। टर्म वन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो कि MCQ बेस्ड है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं MCQ के लिए वीडियोस चला रही हूँ क्लास 10th और 12th के लिए। 10th के लिए वीडियोस अभी चैनल पर मेरे चल रहे हैं। इंग्लिश में जिस पे बात की जा रही है, इंग्लिश किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह से फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन आएंगे, एज वेल एज फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से किस तरह से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लेटर से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, डिस्कर्सिव पैसेज से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इन सब पे बात की जा रही है मेरे चैनल पर। मेक श्योर आप मेरे चैनल पर बने रहे, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल वाटिका इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज बात करते हैं आपके डेट शीट के लिए जो कि मेजर सब्जेक्ट्स टर्म 1 2021-2022 का होने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड थे बच्चे इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि अभी तक CBSE क्लियर नहीं कर रहा था कि ये मिड नवंबर में या लास्ट ऑफ नवंबर कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो आज CBSE ने कुछ देर पहले इसे डिक्लेयर किया है। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। एग्जामिनेशन व्यू से फर्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसका डेट है 30th नवंबर 2021 और टाइम है 11:30 से 1 बजे। ध्यान देंगे टाइमिंग पे भी, 11:30 से 1 बजे तक CBSE ने आपके एग्ज़ाम को हेल्ड किया है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि 30 नवंबर को है, डैट इज़ सोशल साइंस, आपका सब्जेक्ट कोड है 087। सेकेंड सब्जेक्ट है साइंस जो कि 2nd of December 2021, इसका भी टाइमिंग वही है 11:30 से 1। ध्यान देंगे 2 दिसंबर को ये एग्ज़ाम है, जिसका स्टडी कोड है 086 और इसका सब्जेक्ट का नाम है साइंस। फर्स्ट आपका सोशल साइंस, सेकेंड आपका साइंस है। थर्ड है 3 दिसंबर को, 3rd of December 2021, ये भी 11:30 से 1 के बीच है और ये है होम साइंस। होम साइंस बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, अगर जिसका है तो ध्यान देंगे, इसका सब्जेक्ट कोड है 064। ये है 3 दिसंबर। फोर्थ सब्जेक्ट है जो कि सबका होता ही है, ये है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक। ध्यान देंगे 4 दिसंबर को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और 4 दिसंबर को ही मैथमेटिक्स बेसिक भी। आपके स्कूल ने अभी तक आपको सूचना दे दी होगी कि स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के स्टडी कोड भी, सब्जेक्ट कोड भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसे देख सकेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया पेज है। फिफ्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है 8th of December, काफ़ी गैप है, देखिएगा 4th के बाद सीधे 8th of December जो कि वेडनेसडे है और इस दिन है कंप्यूटर एप्लीकेशन। 9th of December 2021 हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, तो आप लोगों को पता होगा कि आपका कौन सा है, कोर्स ए है कोर्स बी है, उसके भी सब्जेक्ट कोड यहां पर मेंशन किए गए हैं। लास्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, जिसकी बात मैं करती हूँ, इंग्लिश चैप्टर को मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ और इंग्लिश जो है वो लास्ट में रखा गया है 11 दिसंबर को, तो आपके पास काफ़ी टाइम है सभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इंग्लिश तो अभी बहुत लास्ट में ही है। 11 दिसंबर शनिवार 11:30 से 1 के बीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एग्ज़ाम आप लोगों का है, इसका सब्जेक्ट कोड है 184। सब्जेक्ट कोड पर एक बार आप नज़र ज़रूर डाल लेंगे, वहाँ शायद मेंशन करना रहता है। ध्यान देंगे कि साइंस और मैथ्स के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइंस 2 को मैथ्स है 4 को, तो डिफरेंस नहीं है, बस एक दिन बीच में गैप है। अगर जिसका होम साइंस होगा तो उसको भी गैप वो नहीं मिलेगा, जिसका होम साइंस नहीं है उसको एक दिन की तैयारी करने की रियायत मिलती है। आप ध्यान देंगे सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एक पेपर पर इसे लिख लें या प्रिंट आउट निकलवा लें और इसे अपने घर में स्टडी टेबल के पास जरूर वहाँ पर रखें, ताकि रोज़ इस पर नज़र जाए, आप इस पर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। बेस्ट ऑफ लक क्लास 10th के स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत करें और आगे मेरे चैनल पर बने रहें। अगर इंग्लिश में कोई समस्या है या इंग्लिश से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब पे बात की जाएगी मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर MCQ के लिए होगा और डिस्कर्सिव पैसेज वगैरह के लिए भी होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।